आज यहाँ पे एक और नई वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, वीवो से रिलेटेड कुछ वीडियो है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वीवो में आपका गलती से लॉक लग गया। वीवो का कोई भी फोन का मॉडल हो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ कि एक ही वीवो में लगेगा फिर लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, नहीं दोस्तों, वीवो का कोई भी फोन का मॉडल हो, अगर वीवो में आपका गलती से लॉक लग गया हो तो आप अपने फोन को अनलॉक कैसे करोगे विदाउट डाटा लॉस किए हुए। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लाया हूँ जिस ट्रिक से आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर स्किप कर दीजिएगा तो ये वीडियो आपको दोबारा देखना पड़ जाएगा। दोबारा देखने से बेहतर है आप इस एक बार वीडियो को देख लें, इसके बाद अपने फोन को खुद ही अनलॉक कर सकते हो, खुद ही सीख सकते हो दोस्तों, आप दूसरे को सिखा भी सकते हो वीवो से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, गौर सुनिएगा, मेरा नाम है दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं टेक्निकल 20 चैनल। दोस्तों वीवो में गलती से आपका पैटर्न लॉक हो, पिन लॉक हो, पासवर्ड लॉक हो, पिन पैटर्न पासवर्ड से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, कुछ लेना देना नहीं है। मात्र यहाँ पे आपको देखना है इमरजेंसी कॉल। वीवो के फोन से हिसाब से, फोन के मॉडल के हिसाब से अलग अलग रहता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे मेरा इमरजेंसी कॉल नीचे है, आपका ऊपर रहेगा, या लेफ्ट रहेगा या राइट रहेगा, लेकिन रहेगा दोस्तों इमरजेंसी कॉल रहेगा। इमरजेंसी कॉल पे जाते ही यहाँ पे देखिएगा इमरजेंसी कॉल ओनली। इमरजेंसी कॉल ओनली किस लिए होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, इमरजेंसी कॉल ओनली मात्र ये पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए होगा या एम्बुलेंस बुलाने के लिए होगा दोस्तों। मात्र यहाँ पे एक और ट्रिक लाया हूँ, लेकिन यहाँ पे आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं इस इमरजेंसी कॉल के मदद से। यहाँ पे हर सीजन का एक कोड आता है दोस्तों, जिसकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हर सीजन में एक कोड आता है दोस्तों। मैं इस सीजन का कोड डालता हूँ, 8754123659 ये कोड 9 से 10 डिजिट का होगा, पर एक दो का कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र यहाँ पे आपको यहाँ पे 6 टाइम इसको कॉल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन ये अधिक हो जाए पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मात्र 7 टाइम तो कॉल करना है, 10 टाइम या 10 टाइम तो कॉल करना होगा ही, लेकिन मैं यहाँ पे 7 ही टाइम किया हूँ, देखता हूँ यहाँ पे फोन अनलॉक होता है या नहीं, हो जाए तो बहुत बढ़िया दोस्तों। इसके बाद इस कोड को हटा लेना है, इस कोड को हटाते हैं यहाँ पे एक और कोड डालूंगा जो इमरजेंसी कॉल नहीं, इंजीनियर मोड का फॉल, ये इंजीनियर मोड का फाइल ओपन होगा, 8999 डालिएगा, यहाँ पे इंजीनियर मोड का फाइल ओपन हो जाएगा दोस्तों। जिसकी यहाँ पे इंजीनियर मोड का फाइल ओपन हो गया, यहाँ पे इंजीनियर के बाद यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर पे मैनुअल टेस्ट होगा, मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब क्लिक करते यहाँ पे एक बार स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा एम सेंसर का, एम सेंसर यहाँ पे, एम सेंसर को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 185 डिग्री रहेगा, 190 डिग्री भी रह सकता है, 170 भी डिग्री, 160 डिग्री, मैक्सिमम 160 डिग्री रहना जरूरी है, लेकिन मेरा यहाँ पे 185 डिग्री से कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे बैक करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे सेंसर सेल्फ एंड सेलिब्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 सेंसर है, आपके फ़ोन के हिसाब से एक अलग अलग सेंसर होता है, 3, 4, 5 मैक्सिमम 10 सेंसर होता है, पर यहाँ पे मेरा 2 सेंसर है, दोनों सेंसर को स्टार्ट कर देते हैं, दोनों में से एक सेंसर को पास होना जरूरी है, जिसकी मैं एक टेस्ट पास हो गया, एक टेस्ट फेल हो गया, लेकिन आपके फोन में भी कोई भी सेंसर हो या कभी कभी दोनों पास हो जाता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक सेंसर को पास होना जरूरी रहता है। अगर दोनों फेल हो गया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद बैक करेंगे, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, लास्ट वाले ऑप्शन पर जाते हैं यहाँ पे अदर्स पे जाते हैं, यहाँ पे किया शेयर देखेंगे, यहाँ पे मैं पासवर्ड लगा रखा हूँ, जितना लॉक फोन को लॉक कर रखा था सब फोन अनलॉक हुआ है कि नहीं, यहाँ पे मेरा सब फोन अनलॉक हो गया है। इसके बाद यहाँ बैक करेंगे, फिर यहाँ पे डाटा बेस वर्जन पर क्लिक करेंगे, मात्र 3 टाइम 1 2 3 एंड देन यहाँ रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडेक्स को चेक कीजिएगा। यहाँ पे अगर पास हो गया दोस्तों, अगर फेल हो गया तो आपका फोन अनलॉक नहीं होगा, अगर पास हो गया तो फोन आपका अनलॉक हो जाएगा। फिर ये फोन अनलॉक हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मात्र 3 टाइम बैक करना है, 1 2 एंड देन 3 यहाँ पे आपका फोन अनलॉक हो गया। अभी विदाउट डाटा लॉस किए हुए मेरा यहाँ पे जितना डाटा था सब सेफ था, इस फोन में मेरा जितना लॉक लगा हुआ था सब अनलॉक हो गया दोस्तों, आप देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही बेल आइकन में दबा दें, मैं ऐसा यूनिक वीडियो लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।